Hello everyone, so let's talk about the next part of collinear geometry which is based on shifting and rotation of axis. So shifting का मतलब क्या होता है कि आपने अपना xy plane जो है उसे shift कर दिया है. Example ये आपका xy plane था और आपने xy plane की नई position लगा दी है इस type से, यानी आपने अपना origin जो था वो आपने उठा के shift कर दिया, इसको बोलते हैं shifting of origin, right? तो शिफ्ट क्या किया आपने, एक्स वाई प्लेन जो था वो आपने शिफ्ट करके नए जगह पे लेकर आ गए. तो एग्जांपल की अगर कोई पॉइंट लेट से पहले पी था और इसके कुछ कोऑर्डिनेट थे लेट से एक्स कॉमा वाई, और अगर आपने इसको अब शिफ्ट कर दिया है, नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पी के वो बताइए. तो पी डैश के एक्स डैश वाई डैश क्या आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे. उसके बाद में आता है रोटेशन. रोटेशन का मतलब होता है कि आपने अपना जो प्लेन था उसे घुमा दिया. एग्जाम्पल ऐसा कुछ कि आपका जो एक्स वाई प्लेन था आपने उसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री. तो जो पॉइंट एग्जाम्पल इट्स 4.3 था प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स में, तो प्रीवियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4.3 था, बताइए नए सिस्टम के हिसाब से अब उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये पूछ लिया आपसे. तो नया सिस्टम तो ये वाला है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये उसका एक्स का वैल्यू होगा और ये उसका वाई का वैल्यू होगा, ये नई वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन होंगे शिफ्टिंग एंड रोटेशन पे. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्टिंग के क्वेश्चन कैसे होंगे वो समझते हैं. ऐसा बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट -3.7 इन द सिस्टम इन विच ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2.-5. अगर आपने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नए वाले क्या होंगे ये बताइए. तो हम समझते हैं बेसिक एग्जांपल लेके कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट था और लेट्स से पॉइंट था 6.5, ठीक है. तो ये आपका पॉइंट था, एक्स का वैल्यू 6 था, एक्स का वैल्यू 6 था और वाई का वैल्यू 5 था. ये आपका कुछ एक पॉइंट था, पॉइंट P, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5. बोले बताइए अगर ये एक पॉइंट था तो अगर आपने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो पूछ लिया. तो नए कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 4.2. ओरिजिन आपने लेट्स से 4.2 को शिफ्ट कर दिया, तो हमारा x का वैल्यू 6 था, y का वैल्यू 5 था, इन्हीं हमारा पॉइंट ये वाला था. अब बोला बताइए नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के, ये पूछ लिया आपसे. तो दिख रहा है अगर हम यहाँ पे देखें, ये अगर 4 पॉइंट है तो ये वाला 5 है, ये 6 है, मतलब अगर x एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टेंस नापा जाए तो ये 2 आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट 2 होगा, राइट. और अगर वर्टिकली नापा जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस ही कितना आ रहा है, वर्टिकली आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे 3 था, फिर ये यहाँ से 4 है और यहाँ से 5 है, तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा. तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट होगा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए पी के, ये नए कोऑर्डिनेट्स हो गए 2.3. कैसे निकाला, कोऑर्डिनेट थे पी के 6.5, आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया 4.2 पे, तो जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इनके डिफरेंस निकाल लिए जाएंगे. कि अगर x था और x 4 पे शिफ्ट किया गया तो 6-4 हो गया 2, और अगर ये वैल्यू y थी और y 5 था और आपने 2 पे शिफ्ट किया हुआ है, यानी 4.2 है, तो y में से y सबट्रैक्ट कीजिए, x में से सबट्रैक्ट कीजिए, ये जो होंगे नए कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो क्या नए कोऑर्डिनेट्स पी डैश 2.3 है, Yes, x 2.3. तो formula basic we can write कि अगर if origin shifted to let's say h comma k, अगर आपने h comma k पे shift किया तो x comma y will become, उसके नए coordinates क्या हो जाएंगे, तो नए coordinates आ जाएगा x minus h, और y coordinate क्या आ जाएगा नया वाला, वो आ जाएगा y माइनस के. ये आपके आएंगे बच्चों न्यू कोऑर्डिनेट्स अगर आपने शिफ्टिंग किया है, राइट. तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था कि अगर आपने कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट किया, सेंटर को शिफ्ट किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया 2.-5 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. सो फॉर्मूला होता है नया कोऑर्डिनेट इज एक्स माइनस एच, नया कोऑर्डिनेट वाई का हो जाएगा वाई माइनस के, तो आपको मिलेगा -3-2 और एक मिलेगा सॉरी 7-5. ये आपका आ जाएगा कैपिटल एक्स और ये आपका आ जाएगा कैपिटल वाई. सो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ रही है -5 और कैपिटल वाई की वैल्यू आ रही है 7+5 विच गिव यू 12. तो ये आपके नए कोऑर्डिनेट्स होंगे -5.12 अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है. अब हम बात करते हैं रोटेशन की. अब रोटेशन की अगर बात करें कि मान लेते हैं एक पॉइंट था लेट से 4.2, बोले बताइए अगर आपने 4.2 जो पॉइंट था
ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे पी के, लेकिन अगर आपने अपनी एक्सिस को ही शिफ्ट कर दिया, मतलब ऐसा कुछ घुमा दिया, तो बताइए अब 4,2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऐसा कुछ पूछ लिया आपसे, या कोई और पॉइंट ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ गलती से इसके ऊपर लाया कर रहा है वो, कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं, लेट्स से 3,3, बोला 3,3 एक पॉइंट था और बोला बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स नए सिस्टम में क्या होने वाले हैं, तो कैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन समझते हैं इसका, और हम समझते हैं कि इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा। देखिए याद रखिएगा कि एक सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताई जाती है थीटा के टर्म्स में। मतलब अगर एक पॉइंट पी है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, अगर ये मान लेते हैं लेट्स से ये एंगल है फाई, ठीक है, यहाँ लेट्स से थीटा, चलो फाई मानते हैं बिकॉज थीटा घुमाने वाले हैं, फाई है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आर कॉस फाई और एक होगा आर साइन फाई। ये सिस्टम होता है याद रखिएगा, आर क्या है इसकी पूरी लेंथ। अब मान लेते हैं कि अगर हमने सिस्टम को घुमा दिया, अगर आपने कोऑर्डिनेट प्लेन को ही घुमा दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा कुछ नया आ गया, ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे घुमा दिया, ये आपका एक्स वाई प्लेन था, ये ऐसा हो गया और ये वाई आपकी ऐसी आ गई, तो बताइए अब ये एंगल कितना हो जाएगा। अगर आपने थीटा डिग्री घुमा दिया है तो अब जो एंगल बचेगा वो बचेगा फाई माइनस थीटा, ऐसे बोल सकते हैं फाई माइनस थीटा इज द न्यू एंगल, क्योंकि पहले फाई था थीटा कम हो चुका है। तो अब ये जो पॉइंट होगा पी डैश, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, वो होंगे आर इंटू कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा और साथ में आ जाएगा आर इंटू साइन ऑफ फाई माइनस थीटा, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो पी डैश के कोऑर्डिनेट आपके आ रहे हैं वो आ रहा है आर इंटू कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा और आ रहा है आर इंटू साइन ऑफ फाई माइनस थीटा। लगाते हैं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो पी डैश की वैल्यू क्या आती है निकाल लेते हैं, यहाँ बैक एंड राइट एक्स आर ऐसा कैसा है, फिलहाल लगाते हैं ब्रैकेट, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और अगर आर यहाँ पे बात करें साइन की तो साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। यानी मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा आर इंटू कॉस फाइव cos theta plus r into sin phi sin theta comma r into sin phi into cos theta minus r into cos phi into sin theta, ये आपका नया कोऑर्डिनेट्स है। अब कन्वर्ट कर लेते हैं जो प्रीवियस वैल्यूज पता है उसके हिसाब से, पीडीएस की बात करें r cos theta क्या था बच्चों, r सॉरी phi, r cos phi था आपका इसका x वैल्यू और r sin phi था y का वैल्यू, तो कैन राइट इसकी जगह पे इतने पार्ट की जगह पे कैन राइट पुराना वाला x इंटू cos theta प्लस पुराना वाला y इंटू sin theta, ये आपका आ गया नया वाला x, और r sin phi क्या है, r sin phi था y तो y इंटू cos theta माइनस r cos phi था x, x इंटू sin theta, ये आपके नए कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये डेरिवेशन हुआ, राइट। तो अब इसको लिखना कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो समझ लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों याद रखिएगा एक टेबल है, इस टेबल के अंदर आप वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, ये आपका नया वाला एक्स है, ये आपका नया वाला वाई है, ये आपका पुराना वाला एक्स है, ये आपका पुराना वाला वाई है, यहां पर लिखिए आप कॉस थीटा, यहां लिखिए आप साइन थीटा, फिर यहां लिखिए माइनस साइन थीटा, यहां लिखिए कॉस थीटा। अगर आपको कैपिटल एक्स निकालना है तो यूं जाइए, यानी कॉस थीटा के अंदर एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए और साइन थीटा के अंदर वाई का मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मेरा एक्स था बड़ा वाला एक्स जो है न्यू कोऑर्डिनेट वो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा था, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा है, यस। और अगर आपको वाई निकालना है तो वाई निकालने के लिए ऐसे जाइए, तो वाई के अंदर कॉस थीटा आएगा और एक्स के अंदर माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो x के साथ में माइनस साइन थीटा है, यस, x के साथ में माइनस साइन थीटा है और y के साथ में कॉस थीटा है, y के साथ में कॉस थीटा है, करेक्ट। ये आपको निकालने का तरीका होगा। और अगर आपको पुराने वाले x ढूंढना होता तो कि ये नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए होते हैं, पुराना वाला ढूंढना होता था वर्टिकल जाते हैं, यानी बड़ा वाला x इंटू कॉस थीटा, बड़ा वाला y इंटू माइनस साइन थीटा, एंड अगर आपको y ढूंढना होता तो फिर बड़ा वाला x इंटू कॉस साइन थीटा और फिर बड़ा वाला y इंटू cos theta, इस ऐसे निकालेंगे। एग्जांपल एग्जांपल सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि एक पॉइंट था पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट थे 3, लेट्स से 6,
बोला है कि आपने एक्सिस को घुमाया जैसे 30 डिग्री, बोला बताइए नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो नए कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई ढूंढने, पुराने कोऑर्डिनेट हैं एक्स की वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 6, और यहाँ पे आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कॉस 30 होता है बच्चों √3/2। यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे आता है साइन थीटा हो जाएगा साइन ऑफ 30 यानी हो जाएगा 1/2, राइट। ये टेबल का यूज कर रहा हूँ और वैल्यूज डाल रहा हूँ कॉस थीटा साइन थीटा एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, राइट। अब हम निकालते हैं एक्स का वैल्यू, कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। कैपिटल एक्स नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो नए कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 × √3/2 प्लस 6 × 1/2, यानी नया वाला एक्स हो जाएगा बच्चों 3√3/2 + 3, दैट इज अ न्यू कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 3 × −1/2 प्लस 6 × √3/2। तो नया वाला वाई आ जाएगा आपका −k3/2 प्लस 3√3। ये तरीका होगा निकालने का नए कोऑर्डिनेट्स। अब इन केस अगर नए दिए होते तो, और बोला बताइए पुराने क्या होंगे, ये ढूंढिए। तो पुराने ढूंढने के लिए क्या करेंगे, आप जो टेबल था आपका उस टेबल के अंदर एक्स की जगह नए एक्स की जगह पे नया एक्स डाला, पुराने वाले हमको निकालना है तो एक्स निकालना है और वाई निकालना है। इधर आता है कॉस थीटा और आपको दिया हुआ है थीटा 45 डिग्री, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2 माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन हो गया माइनस ऑफ साइन 45, माइनस साइन 45 हो गया माइनस 1/√2, ये हो गया 1/√2। सिंपलीफाई कर लेते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा इस बार। अभी हमें जाना पड़ेगा वर्टिकल, राइट, क्योंकि हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। तो ऐसे जाएंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई के साथ होगा, तो आपको मिलेगा स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू −k√2 × 1/√2 प्लस 3√2 × −k1/√2। तो आपको एक्स का वैल्यू मिलने वाला है −2 −3। तो पहले वाला एक्स था आपका −5, ये −5 है, लिख लेते हैं, दिस इज −5, राइट। वैसे निकाल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका आ गया −5। वाई की बात करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई इधर होगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा −2 और फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो मिल जाएगा +3, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 1। यानी प्रीवियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट था वो 5,1 था, जो 45 डिग्री घुमाने से ये बन चुका है, राइट। तो इस टाइप से आप घुमाएंगे, इस टाइप से आप फाइंड करेंगे कोई भी पॉइंट, अगर आपको प्रीवियस सिस्टम में निकालना है या नए सिस्टम में निकालना है, राइट। थैंक यू।